नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि अपनी कुंडली से जाने किस महादशा में आपकी संतान होगी। तो आज के टॉपिक यह है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के नीचे एक रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो मेल कर देगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशो क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के पिलाल किताब प्यारो पामस्ती वास्तु मैथ्स के बेसिक क्लासेस स्टार्ट से नोट्स भी उपलब्ध है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि किस महादशा में आपकी संतान होगी। देखिए जहाँ पे मैंने अपनी लग्न कुंडली देखी वहाँ पे एक नंबर लिखा है, यही आपका लग्न भाव है। यहाँ पे भी एक से लेकर 12 नंबर तक का कोई भी राशि अंक लिखा होगा वही आपका लग्न स्वामी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पांचवें घर में भी देखिए, जहाँ पे भी मैंने 5 नंबर लिखा वो भी एक से लेके 12 नंबर, सातवें नंबर पे भाव में भी मैंने एक से लेके 12 नंबर तक की राशि नंबर कुछ भी लिखा होगा, नौवें और बारहवें भाव में भी एक से लेके 12 नंबर तक की राशि नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, वही आपके उस भाव का स्वामी बनेगा। तो अब आपको करना क्या है कि आप जानते हैं कि कुंडली में पाँचवा सातवा नवा और बारहवा भाव जो होता है ये संतान के लिए कारक ग्रह का कारक होता है। तो इसके कारक ग्रह सूर्य शुक्र और गुरु ग्रह होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो वर्तमान महादशा चल रही है उसमें आपको ये चेक करना है, जिस वर्तमान महादशा चल रही है उस वर्तमान महादशा में सूर्य शुक्र या गुरु ग्रह कुंडली के 5, 7, 9 या 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि कुंडली में सूर्य जो महादशा चल रही है उस महादशा के स्वामी जहाँ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, उससे सूर्य शुक्र गुरु का गोचर कुंडली के 5वें, 7वें, 9वें या 12वें भाव में हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो जरूर संतान होगी, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो संतान नहीं होगी, क्योंकि कुंडली के 5वें, 7वें और 12वें भाव में अगर बनता है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग योग है, और अगर 5वें और 8वें का योग बन जाए तो नहीं बनेगा। मतलब अगर बाधक हाउस 6, 8, 12 का योग बनता है आपके जो महादशा से उसमें, तो फिर वो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि किस महादशा में आपको संतान की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।